सो हे पल्स, वेलकम वेलकम एंड वेलकम भाई। आज अपन लोग खेलने वाले हैं दोबारा से माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एंड ये एपिसोड 3। एंड आज अपन लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। आज की वीडियो में अपन लोग बनाएंगे एक पूरा डायमंड का आर्मर इस वीडियो में। एंड अगर तुम डायमंड्स के बारे में पूछोगे तो वो अपन लोगों ने प्रीवियस लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे डायमंड्स को ले लिया था। भाई देखो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि भाई इस टाइप का कंटेंट हमारे चैनल पे आता रहता है डेली। एंड यस चलते हैं वीडियो की तरफ बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए, लेट्स गो। एंड यहाँ है मेरे सुनहरे सुनहरे डायमंड्स, ये देखो भाई 20-20 है मेरे पास। ओके तो मैं ना इसका बनाने वाला हूँ आर्मर, लेकिन मेरे को एन्चेंटमेंट टेबल के लिए भी बचाने होंगे 2 डायमंड। तो यार ये सब सिस्टम अपना रहना चाहिए। सबसे पहले ना मैं यहाँ पर 2 डायमंड यहाँ पर अलग से रख देता हूँ भाई एन्चेंटमेंट टेबल के लिए, और आर्मर बनाते हैं। ओके तो गाइस ये देख सकते हो मैं पहनने वाला हूँ पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर भाई, लेट्स गो। यार एपिसोड 3 में मैंने पूरा का पूरा डायमंड आर्मर पहन लिया, लेट्स गो। यार एक ही डायमंड बचा है समाओ, लेकिन मैंने 2 छोड़े थे ना, मैथ इतनी भी तो वीक नहीं है यार। गाइस अभी इतनी छोटी वीडियो नहीं रख सकते, इसलिए अपन लोग बनाने वाले हैं एक नेदर पोर्टल को। यस गाइस नेदर पोर्टल को, एंड उसके लिए अपन लोग को चाहिए ऑब्सीडियन जो कि हम लोग को माइन में मिलेगा। एंड माइन में मैं लगे हाथ एक और डायमंड ले आऊंगा, क्योंकि एक डायमंड की अपन लोगों को खपत पड़ रही है। तो यार चलते हैं माइन में। यस मैं आधा स्टैक टॉर्चेस बना के ले आ चुका हूं, अभी चलते हैं सीधे सीधे माइन में, वहां पर माइनिंग वगैरह चालू करते हैं। ओके तो अभी चलते हैं माइन के अंदर। यार एक तो भाई ये ना 10 साल लगाते हैं ऊपर नीचे कर रहे हैं भाई, एक आध दिन TNT से फोड़ फाड़ डालूंगा भाई, दिमाग खराब हो गया भाई मेरा। यार ये गिरा भाई, मजा आ गया, क्या गिरा हूं, मजा आ गया भाई। मतलब कि अंधकार इतना ज्यादा हो चुका है, क्या बोले। अबे लावा पूल, लेट्स गो भाई, यहाँ पर से ऑक्सीजन का जुगाड़ हो जाएगा भाई, वाटर बकेट डालो, लेट्स गो भाई। ओके तो यहाँ पर डाल दी मैंने वाटर बकेट और ये मिल गया अपने को बहुत सारा ऑक्सीजन। ये तो गाइस अगर आपको नहीं पता है कि ऑक्सीजन को कैसे माइन करना है, तो इस तरीके से एक छेद मारिए, उसके अंदर वाटर बकेट डालिए, फिर अपने सामने वाले ऑक्सीजन को डायमंड पिकैक्स ऐसे हौले हौले माइन करिए, फिर इसके नीचे आपको लावा दिखेगा, लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा और अपने आप ऑटोमेटिकली आप पुश हो जाएंगे और आप माइन कर लेंगे। मतलब कि ना मेरे को ना ऊपर ऊपर तो कहीं भी डायमंड नहीं दिखा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब ना अपन लोग माइनिंग वगैरह करते हैं, वहां से डायमंड लाइक अपने को मिलेगा। तो यस मैं यहाँ से रैंडमली जगह से चालू करता हूँ और माइनिंग करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अपने को कितने लाखों डायमंड मिलते हैं। गंदा 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 भाई, बेकार एकदम एकदम यार, कुछ भी नहीं मिला भाई, मेरा मूड खराब हो गया यार, एक भी डायमंड नहीं मिला यार, बताओ किस्मत क्या है भाई यार। एंड फाइनली आफ्टर 10 ईयर्स आई एम बैक टू द सर्फेस भाई। अब जल्दी से काम करते हैं, ऑब्सीडियन अपन लोगों ने क्रेट कर लिया, पहले यहाँ पर सोते हैं और उसके बाद कल सुबह ना नेदर पोर्टल बनाते हैं। सो जाओ। तो ये एक टेम्पररी ब्लॉक इस साइड को प्लेस करते हैं अभी, 1, 2, 3 एंड वो जो मैंने टेम्पररी ब्लॉक प्लेस किया वहां पर कूद के 1, 2, 3 एंड यहां पर एक और टेम्पररी ब्लॉक, अभी यहां पर 2 इस तरीके से। एंड यस बाकी के ऑब्सीडियन ना मैंने एन्चेंटमेंट टेबल के लिए बचाया, और ये प्यारी वाली MLG। यस अपने पास ना नेदर पोर्टल भी कंप्लीट हो चुका है, तो फ्लिंट एंड स्टील चाहिए तो लेके आते हैं। बस आयरन तो था लेकिन मेरे पास ना फ्लिंट नहीं था, तो यहां पर बहुत सारे ग्रेवल है, यहां पर से 3-4 तोड़ लेते हैं। 1, 2, 3 एंड ये वाले को भी तोड़ लेते हैं। अभी यहां पर से अपने को फ्लिंट नहीं मिला, तो इस तरीके से इसको प्लेस करते हैं और भाई तोड़ते रहते हैं, देखते हैं कब तक नहीं मिलता है अपने को भाई। यार ये बहुत टाइम ले रहा है। एंड यस मिल गया भाई फ्लिंट, लेट्स गो भाई, मिल गया फ्लिंट, मिल गया भाई। अब ये वाले को ना इधर ही कहीं को प्लेस कर देते हैं भाई, लेट्स गो। एंड यस ये है वो पल जब मैं नेदर पोर्टल को लाइट करूंगा, लेट्स गो भाई। ये देखो भाई लाइट हो गया भाई, मौत का द्वार खुल गया। ओके तो अभी इसके अंदर ना जाके देखते हैं कि यार कैसा स्पॉन मिला है, लाइक अच्छा स्पॉन मिला है कि वैसे भाई बेकार सा है। एंड मेरे ख्याल से ये स्पॉन, अबे भाई क्या भयानक स्पॉन दियो यार, सामने घास है, रुको पहले से मारना पड़ेगा, रुको रुको रुको। एंड ये पड़ी भाई, अबे लेट्स गो भाई, क्या निशाना है भाई, यू नो आर्चरी गॉड। एंड ये सामने बकवास वाली बायो में भाई, क्या एक गंदा सा स्पॉन दिया है, एकदम वाहियात भाई। एक्चुअली में आसपास कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं और ये स्पॉन बहुत ही ज्यादा वाहियात सा है। देखो यहाँ पर नीचे अगर मैं गिर गया ना तो मेरा मरना तो तय है भाई, बेकार एकदम स्पॉन मिला है। ले भाई कसम से यहाँ पर गिर गया ना मैं तो मेरी मौत तो पक्का है भाई, इसलिए यहाँ कोने वोने से हट जाते हैं सबसे पहले, काम करो। अरे भाई एक ही बार में कैसे मर गया, एक सेकंड रुको भाई, तू तुरंत ही मर गया, अरे भाई एकदम बताओ छी भाई। तो अपन लोग ना एक पीक की साइड चल दे रहे हैं इस तरीके से, देखो यहाँ पर भाई ये तो और भी गंदा स्पॉन है यार, कसम से भाई क्या गंदा स्पॉन मिला है भाई, कुछ भी नहीं है आसपास यार, सबसे बाहियात बायो में भाई मेरे आसपास, रुको। एंड या कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर एक घास है, घास को टपली मारे, एक सेकंड रुको देखते हैं कि अपन लोग मार पाते कि नहीं। एंड भाई अरे भाई क्या बो चलाता हूँ मैं, तो चलते हैं अपने ओवर वर्ल्ड में। एंड अबे ऐसे गंदी हरकतें नहीं करनी भाई, अबे यहाँ पर से मैं गिर जाऊंगा भाई, एक काम करते हैं यहाँ पर से ना पहले इसको फिक्स करते हैं, वरना मैं गिर जाऊंगा तो बहुत बेइज्जती होगी, रुको भाई यहाँ पर से फिक्स कर दो जल्दी से। के बैक टू आवर होम, एंड अपन लोगों ने सारे काम कर लिए हैं, ये वाला जो नेदर पोर्टल है ये भी मेरे को ठीक ही ठाक लगा, बाकी इसका स्पॉन तो बहुत ही ज्यादा बेकार था भाई, एकदम मूड खराब हो गया स्पॉन से। मैं आ चुका हूँ अपने फार्म में एक और बार, यहाँ पर तशरीफ दिखाने की भाई देखो मैं हूँ जिंदा। तो यहाँ पर से ना ये जो 2 जगह खाली है इसको रीप्लांट करते हैं, और ये फार्म अपना बेकार है एज ऑलवेज बेकार है। गाइज मैं ना सोच रहा था कि यहाँ पर साइड से ना जो उस साइड जाने के लिए मैं एक ना ब्रिज टाइप
का बनाऊं, क्योंकि ना वो फिर अच्छा सा लुक भी देगा एंड अच्छा भी लगेगा। अबे ये क्या, अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो दिक्कत हो गई यार। चलो किसी ने देखा नहीं, बच गए। मैं ना माउंटेन की साइड इसलिए आया हूँ ताकि अपन लोग को थोड़ा कोल मिल सके टॉर्चेस के लिए। तो यार मैं यहाँ से माइनिंग चालू करता हूँ एक माउंटेन के अंदर, एंड देखते हैं कि लाइक माउंटेन के अंदर अपने को कोल मिल जाता है। तो यार ग्राइंडिंग चालू करते हैं, कोल ढूंढते हैं, लेट्स गो। एंड आई थिंक ना मेरे को फाइनली, हाँ ये देखो मेरे पैरों के पास मेरे को फाइनली कोल मिल चुका है। तो यहाँ पर से तोड़ते हैं पूरी वेन को एंड या ऐसी और माइनिंग करते रहते हैं, देखते हैं भाई कितना कोल मिल जाता है। आप पर ना मैं 46 कोल के साथ आ चुका हूँ। अबे ऐसे मत गिर भाई, अभी यहाँ पर से हम लोग करेंगे एमएलजी एंड ओ भाई बहुत गंदा आ गया हूँ भाई, ऐसे क्या हो रहा है, आज मेरी किस्मत खराब है। वापस से अपने घर को आ चुके हैं भाई, सबसे पहले सो जाओ वरना भाई मॉब्स ना ऐसी तैसी कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्यार से सो जाओ। ओके गाइस, यहाँ पर ये मेरे सामने जो क्रीपर है ना, अपन लोग इसे मारेंगे और तुम लोग लाइक करोगे तब। भाई ये सामने क्यों आ रहा है भाई, ज्यादा तेरे क्या, रुक ऐसे ये मारा भाई एकदम प्यार से मारा। तो यस गाइस यही थी आज की वीडियो, आप तुम लोगों को मजा आया, अगर मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट हमारे चैनल पे आता रहता है। एंड यस मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, और कमेंट करना लाइक करना बस। यस बाय बाय।